कल रात ये 7 फुट लंबा और 250 किलो का था, आज सुबह ये 9 फुट का और 1000 किलो का हो गया है। यह एक अल्बाइनो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये अपनी तरह का एक ही गोरिल्ला है। ये इशारों में बात करता है? हाँ करता है, अभी ये भूखा है। राइस जॉर्ज के लिए कुछ खाना ना। इसे भूख तो लगेगी ही, इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है। कल रात इसने ग्रिजली बेयर को मारा, जो इस धरती का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। शार्क्स लगातार बढ़ती है राइट, रुकती ही नहीं। अब उनमें से वो जीन निकाल कर मिला दो एक ब्लू वेल में। रफ्तार मुझे तो ऐसा गोरिल्ला तैयार होगा जो ग्रिजली बेयर को मार सकता है। गाइस अभी तक इसका खाना नहीं आया, क्या कर रहे पर्दा डालने के लिए मुझे ही बुलाया तो प्यारे ऐसी बातें तो हम ऑफिसर्स की नजरों में आ ही जाती हैं। मैंने कहा मुझे जॉर्ज से मिलना है। मर्दों को दर्शन में बात करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। एक बार मेरी हथकड़ियां खोल के देख लो, फिर कानून को मैं संभाल लूंगा। प्यारे प्लेन में बातें करते हैं प्यारे, बंदर के साथ बिठा दो इन्हें भी। तुमने देखा पिंजरा तोड़ते वक्त जाओ से भारी जख्म हुआ था, अब वहां से फिर खरोच है। डेविल सुकाय, गोरिल्ला स्पेशलिस्ट, फौज में भी रह चुके हो प्यारे, तुम्हें गंसुजी पहली हो प्यारे। मैं एक बात बताऊं तुम्हें कि मैं भी जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ। दोषी का इंजेक्शन दिया गया है, वो तब तक नहीं जागेगा जब तक हम उसे नहीं जगाएंगे। तुम्हारी तरह साइंटिस्ट तो नहीं है लेकिन खबर हर बात की रखता है। जॉर्ज जैसा कोई और भी? ओ तुमने 30 फुट के उल्फ के बारे में नहीं सुना? ओ नो, इंद्र को बड़े चालाक है। हाँ प्यारे चालाक तो हम है। डॉक्टर केट कोलवेल, PhD बायोकेमिस्ट्री स्टैनफोर्ड से। हाँ सोने पे सुहागा ये कि मैडम कंपनी से हार्ड ड्राइव चुराते हुए पकड़ी। एंजॉय योर फ्लाइट। उसे गलती हो गई, उसके भाई के साथ उसे भी मार देना चाहिए था। तुम हर किसी को तुम मार नहीं सकते ना। मैं तो मार सकती हूँ। गोरिल्ला प्लेन को क्रैश कर देगा यहाँ आने के लिए।
रहा था। सिग्नल नहीं है, देखता हूँ कोई रेडियो मिलता है क्या ताकि मैसेज भेज सकूं। उस पे एक एहसान और करना, प्यारे यहाँ से दूर मत जाना। और हाँ सुनो, मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बेवकूफों को भी इस दुनिया में जिंदा रहने का पूरा। दद्दू कहते थे कि खूब जमती है जब मिलते हैं बेवकूफ। तो अब हम क्या करेंगे? माफ करना था, अब से हम नहीं सिर्फ मैं। तुम्हें इंसानों से इतनी नफरत क्यों है? एक बात ध्यान से सुनो, मैं दुनिया भर में जंगे लड़ चुका हूँ, सबसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। चीज को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक कर सकता है। जब मेरी टीम वहां पहुंची, वो वैशी उसकी मां के टुकड़े कर रहे थे, पकड़ डाले ताकि उससे एस्ट्रेस बनाकर बेचारों को रिला ब्लैक मार्केट में पेश की थी। लगता सवारी आ गई। कर्नल ब्लेक साहब, प्रोजेक्ट एक्ट, हमला करने की पोजीशन लो। जॉर्ज और गुलफेक साहब, गोरिल्ला को निशाना बनाया सर। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? कर्नल, ये डेविस ओपो है, उस गोरिल्ला का ट्रेनर। कर्नल, आपको शिकागो शहर खाली करवाना होगा। इनके डीएनए में ऐसा बदलाव लाया गया है कि कोई टैंक या बुलेट इन्हें रोक नहीं सकते। बताओ क्या ऑर्डर का इंतजार है सर? शिकागो में क्या गड़बड़ चल रही है? तुम्हारी लड़ाई करूंगा तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, वो भी एक औरत के सामने, और तुम ये नहीं। पांच किलो का हाथ है, उड़ जाओगे। इस तरह हम शिकागो पहुंचेंगे? हाँ, इनको मारा नहीं सुना दिया है। ऐसा एक हेलीकॉप्टर इनके हॉस्पिटल के बाहर तो होगा ही। अंदाजा सही था। वाह प्यारे वाह, क्या हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर चुरा रहे हो, क्या दिमाग लगाया है। इस चाबी की जरूरत तो पड़ेगी। थैंक्स। इस प्यारे ने मेरी जान बचाई है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्यारे, जो करना है वो करो, पर टश में रहना प्यारे, वरना मुझे इसकी भी धुलाई करनी पड़ती। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं ऑल राउंडर हूँ, ये तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स किया लग गया। फायरिंग के लिए तैयार? सारे यूनिट तैयार हो जाओ। कंफर्म करो वो मरे या नहीं। यस सर, एक मिनट रुको, मैं पिछला की तरफ पढ़ रहा हूँ। वो जानवर मरे नहीं है, वो आगे भागे होंगे सर। कैप्टन, नेशनल गार्ड को खबर करो कि अब हम सारे हथियार यूज करेंगे। इस बार हम स्पेशल बॉम्ब्स यूज करेंगे, इसलिए लोगों को शहर से बाहर निकालो। डरे वो लोग शिकागो को खाली करवा रहे हैं। तुम डर रहे हैं, अब तुम्हें सब कुछ संभाल रहा है। ठीक है, देखता हूँ।
चाहिए सर। कर्नल, तुम हमारे मिलिट्री का सबसे खतरनाक बॉम्ब हमारी धरती पर गिराने जा रहे हो, तो प्यारे आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त उनकी मदद करनी चाहिए? और खबरदार, अगर मुझे प्यारे कहा तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या करो, आदत से मजबूर। एक बार